एसोसिएट टीम्स के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन देना, उनकी अपडेट्स देना और उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके चैनल पे लगातार प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। एसोसिएट टीम्स के बारे में हमने काफी इंट्रोडक्शन दी है, उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है और आज इसी सेक्शन में अगली जो टीम है वो है नामीबिया। जी हाँ, नामीबियन टीम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये इनके देश में क्रिकेट शुरू हुआ, कैसे ये पहले ये नामीबिया किस नाम से जाना जाता था, किस तरह से क्रिकेट शुरू हुआ। जी हाँ, आपको हैरानी होगी कि यहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत एक प्रिजन यानी जेल कैंप से शुरू हुई है। जी हाँ, ये बहुत ही पीछे जाना होगा इसके लिए आपको, ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या मसला है। बिल्कुल आगे आपको सब कुछ पता चलेगा और उसके बाद वहां से T20 वर्ल्ड कप तक खेलने का जो सफर है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। यार आप शुरुआत करें, पीछे लेके चले जरा हमें 1909। बिल्कुल 1909 में हमें वाइनहॉक में जाना होगा और कहीं ना कहीं वहां इसकी इसके आंसर्स को ढूंढना होगा। इंडिपेंडेंस से पहले वहां पर क्रिकेट आया तो उस वक्त साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। वाइनहॉक का एक गांव कह लीजिए या एक शहर कह लीजिए, तो उस वक्त वहां पर क्रिकेट इसी तरीके से आया था कि वहां पे एक जो प्रिजनर कैंप हुआ करता था, मैं जगह आपको बता दूं ओजी वेरंगो, यहाँ पे एक प्रिजनर कैंप हुआ करता था, यहीं पे इर्द गिर्द यहाँ क्रिकेट हुआ करता था उस टाइम, ज्यादा फैला नहीं उस था। हम बिल्कुल साउथ वेस्ट अफ्रीका में कई कई यही इसके आसपास ही क्रिकेट होता था। उस प्रिजनर कैंप में सबसे पहली बार क्रिकेट को खेला गया था। जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड जो है क्रिकेट को लेके आ चुका था तो वहां पर कुछ लोग प्रिजन कैंप में क्रिकेट खेलने लगे थे। उसके बाद ये जो नॉर्मल सिटीजन हैं बाहर कैसे फैलाया, ये भी जरा बताएं। बिल्कुल देखिए, इसके बाद यहाँ पे जब डिफीट हुई जर्मनी, जब हारा, जब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर जब हारा गया जर्मनी, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इसे कैप्चर कर लिया, साउथ अफ्रीका ने इसे अपने अंडर ले लिया, तब जाके साउथ वेस्ट अफ्रीका भी जर्मनी से बाहर निकला, जर्मनी की जो एक रूलर था उस शासन से बाहर निकला। उसके बाद 1930 में आप कहें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन फॉर्म हुआ। जी हाँ बिल्कुल, 1930 में फॉर्म हुआ, अब जाके साउथ वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन। जी हाँ, ये तो फॉर्म होने की बात हो गई कि फॉर्मेशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका क्रिकेट यूनियन वो हुआ था 1930 में, लेकिन ऑफिशियली मैचेस जो मैच है वो कब खेले गए? बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पे जो हुआ क्रिकेट चल रहा था, टाई अप क्या तो अभी फिलहाल नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, क्रिकेट चल रहा था लेकिन अब लोग आपस में खेल रहे थे। लेकिन 1961-62 के टाइम पे साउथ वेस्ट अफ्रीका ने काउंटी क्रिकेट यानी साउथ अफ्रीका काउंटी क्रिकेट जो एनुअल होता है वहां पे पार्टिसिपेट वो 61-62 के टाइम करने के लिए गए पहली बार। वहां पे उन्होंने कोई क्रिकेट का कंपटीशन खेला एज पर रिकॉर्ड अगर कहें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका ने 61-62 में, जो कि साउथ अफ्रीका का काउंटी कॉम्पिटिशन। बिल्कुल हाँ, और आप में से कहीं सोच रहे होंगे आप तो नामीबिया की बात कर रहे थे, साउथ वेस्ट अफ्रीका कहाँ से आ गया? साउथ वेस्ट अफ्रीका ही नामीबिया है, क्योंकि अभी आगे उनका नाम चेंज होने वाला है, शुरू से ही ये नामीबिया नहीं थे, इसलिए हम साउथ वेस्ट अफ्रीका उस रीजन को कह रहे हैं। और ये सब जो हम आपके सामने जो भी लेके आ रहे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है, हम अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहे कुछ भी उल्टा सीधा, इसका हम आपको सोर्स भी एट द एंड बताएंगे कि हमने सब कहां से रिसर्च किया है। उसके बाद आया आगे कैसे कैसे बढ़ा, 61-62 में चलिए काउंटी क्रिकेट से अफ्रीका खेलने लगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका बैठने लगा, लेकिन जो एक बोर्ड होता है, एसोसिएट बोर्ड होता है, वो कब फॉर्म हुआ, रियल मैचेस कब खेलने लगी, आईसीसी के अंडर में कब आया, ये सारी चीजें कब तक हो पाई 60 के बाद 90 के बीच में जो 30 साल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1989 पे जाना होगा, जब नामीबिया ने माफ कीजिएगा 1989 और उसके यहाँ पे नामीबिया ने अपना पहला दौरा किया। जी हाँ, बोत्सवाना का दौरा किया, तो यहाँ से क्रिकेट अब नामीबिया नाम पड़ गया था उनके, याद बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नामीबिया ने बहुत ज्यादा यहीं से क्रिकेट उनके तरफ से आया, क्रिकेट का खुमार कहें, जो पहला उन्होंने दौर किया, इतने सालों की मेहनत जो उन्होंने की क्रिकेट खेला, साउथ अफ्रीका बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ था ये कहना होगा, साउथ अफ्रीका के ही जो काउंटी कॉम्पिटिशन थे वहीं पे उन्होंने खेल के अब वो इतने काबिल जरूर बन गए कि वो बोत्सवाना टीम के खिलाफ 1989 में पहला अपना जो मैच है वो उन्होंने खेला था। जी हाँ बिल्कुल, पहला मैच उन्होंने खेला, इंटरनेशनल फिक्स्चर था वो 1989 में, तो कहीं ना कहीं काफी शानदार वो उनका सफर रहा। उसके बाद शुरू हुआ धीरे धीरे नामीबिया का इस क्रिकेट में सफर।
89 में उन्होंने पहला टूर किया बोत्सवाना का, वहां पर उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बोत्सवाना के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छा था, वहां पे मैच जीते भी थे बोत्सवाना, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एफिलिएट नहीं थे ये आईसीसी से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना हम जानते, जैसे कि हम आपको अभी आगे बताएंगे कि एफिलिएट कब हुए ये, उस वक्त तो नहीं हुए थे, यानी कि इनका जो मैच है वो ऑन ओडीआई या ऐसा कुछ भी नहीं था, उस टाइम ओडीआई हुआ करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सिंपल वन डे मैच था जो इंटरनेशनल तो जरूर था, ताकि ऑन रिकॉर्ड वो मैच है, आप उसके स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो मैच, जबकि वो इंटरनेशनल नहीं है फिर भी, लेकिन चलिए 1980। लेकिन एक बात अब यहाँ पे आ जाती है कि 1990 में जब इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, माफ कीजिएगा, नामीबिया का इंडिपेंडेंस डे 21 मार्च 1990 को बनता है, आजाद हुई नामीबिया, तब यहाँ पे ग्लस्टरशायर क्रिकेट क्लब खेलने आया बोत्सवाना के बाद। आप देख सकते हैं क्रिकेट कैसे करके अब चल पड़ा, बोत्सवाना आया, एक इंग्लैंड की काउंटी टीम आई, कहीं ना कहीं हम भी लगातार अपने वीडियोस में कहते रहते हैं कि क्लब्स क्रिकेट जो है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी कंट्री के क्रिकेट के राइज अप में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, यही तो है जो हम लगातार कहते भी रहते हैं अपने वीडियोस में। बिल्कुल, हम यह बार बार कहते आए हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप देखिए अभी भी आप देखेंगे तो कई ऐसे रिकॉर्ड है, आप बड़े बड़े दौरे पिछले दौरों को उठाइए, क्लब्स के दौरे बहुत होते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वहां की जो सिचुएशन है दूसरे देश का वो क्या है, आखिर क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं, तो वो अपनी एक सेकेंडरी टीम को पहले भेजते हैं, उसके बाद वो उसका रिपोर्ट लेते हैं। पर खैर ये तो वो बात हो गई, लेकिन अगर हम ऑन टॉपिक आ जाए तो बोत्सवाना का दौरा होने के बाद 1989 में 1990 में नीदरलैंड ग्लस्टरशायर आया, उसके बाद नीदरलैंड ने दौरा किया नामीबिया का, तब 1992 में कहीं ना कहीं उनको जाके स्टेटस मिला। जी हाँ, तो 1992 वो साल था जब नामीबिया को एसोसिएट मेंबर आईसीसी ने बना दिया, जी हाँ आपने उन्होंने ले लिया और एसोसिएट मेंबर बन गए वो आईसीसी के विद ओडीआई स्टेटस, ऐसी बात है, उस वक्त सिर्फ वनडे इंटरनेशनल हुआ करते थे तो ओडीआई स्टेटस उन्हें मिला 1992। जी हाँ बिल्कुल, ये वही साल है जिस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत दर्ज की थी, पाकिस्तान ने जिस साल वर्ल्ड कप जीत दर्ज की थी उस साल नामीबिया को एसोसिएट मेंबर आईसीसी का बनाया गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं आयान, तो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल नामीबिया ने क्या खेला, या फिर उसके अलावा भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी है, कुछ चीजें जान लेना बहुत अच्छी है, बिल्कुल जानना चाहिए, उसी के लिए वीडियो है, बिल्कुल टीमों को पहचानिए, खाली उनके पिछले जो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती है। एक बात बताऊं, 1989 में अगर मैं कहूं तो साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड रहा था उन्होंने टाई अप कर लिया था 1989 में, ताकि ये देखिए आप कितना अच्छा टाई अप हुआ है, कि उन्होंने इतनी हेल्प करी है कि अब नामीबिया कहां से कहां आ गया है, बिल्कुल आ गया है। ये उसका एक बहुत अच्छा एक फ्रूट है जो आज हम देख रहे हैं कि नामीबिया खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने काफी टाई अप के बाद, साउथ वेस्ट अफ्रीका जब हुआ करता था तब इन्होंने टाई अप किया, फिर नामीबिया निकला, नामीबिया ने अपना अलग पहचान बनाया, खेला वर्ल्ड कप खेला, ये सब अलग बात है, लेकिन 1992 में जाके आखिरकार उनको स्टेटस आईसीसी की तरफ से मिल गया। जी हाँ, तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से नामीबिया क्रिकेट में आया और उनका सफर जो था एशियाड तक वो किस तरह से था, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बात जो थी वो हमने आपको बताई, जो मेन मेन इंसिडेंट उनके क्रिकेट में हुए। अब उसके बाद उन्होंने पहला वनडे इंटरनेशनल आयान कब खेला? बिल्कुल, पहला वनडे उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, जी हाँ 10 फरवरी 2003 में पहला ओडीआई, क्योंकि बिल्कुल हरारे में था शायद, बिल्कुल सही, काफी वक्त लगता है खेलने में, इतनी मेहनत करने के बाद 1930 फेलिंग, बिल्कुल इतनी मेहनत करने के बाद आप तकरीबन 60-70-50 साल मान के चलिए, बिल्कुल मान के चलिए, अगर आप ना 1930 से लेते हैं तो भी 60 साल बैठते, तो बिल्कुल इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार, तो वो डेट थी 10 फरवरी 2003 जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच नामीबिया ने खेला। जी हाँ, पहला ओडीआई खेला तो बहुत ज्यादा गर्व की बात थी कि उनकी टीम फाइनली ओडीआई खेली, एक अलग पहचान साउथ अफ्रीका से हटके बनाई और उसके बाद वो वनडे इंटरनेशनल भी खेले। उसके बाद उनका सफर चलता रहा, उन्होंने लगातार मैचेस खेले, लगातार वो मैचेस खेलते गए। उसके बाद अगर मैं कहूं तो उसके बाद एंट्री हुई T20 क्रिकेट की, जी हाँ 2003 में ओडीआई उन्होंने पहला खेला, उसके 4 साल बाद ही, लगभग 3-4 साल बाद ही T20 क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप भी हुआ, लेकिन पहला T20 कब खेलने को मिला नामीबिया? बिल्कुल, देखिए पहला T20 जो नामीबिया ने खेला था वो था 20 मई 2019 को, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि 2019 में सबको ग्रांट कर दिया था, T20 स्टेटस ग्रांट कर दिया, बिल्कुल तब एसोसिएट टीम प्रॉपर बन गई कि हाँ चलिए अब एसोसिएट टीम है आप है विद ओडीआई स्टेटस, तो तब नामीबिया को ये खिताब मिला, बहुत बड़ी बात है। 20 मई 2019 को
पहला मैच खेला था घाना के खिलाफ नामीबिया ने, वो भी अफ्रीकन क्वालिफायर्स। बिल्कुल जी हाँ, अफ्रीकन क्वालिफायर जो हुए थे उसमें उनके खिलाफ मैच था, और आप कह सकते हैं पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया उन्होंने घाना का। 9 विकेट से वो मैच जीता था, सिर्फ 95 रन चेस करने का, आसानी से उन्होंने चेस कर लिए। यहाँ पर एक चीज और है कि नामीबिया ने 2019 में T20 खेला, 2019 में उनको T20 स्टेटस मिला, 2021 में वर्ल्ड कप खेलने लगे, ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल देखिए, क्या रीजन मानते हैं आप, इतना स्ट्रॉन्ग निकल गया पहले T20 वर्ल्ड कप में सीधा सुपर 12? बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्रिकेट बहुत ज्यादा इन्होंने खेला क्या है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आप इसको रीजन देंगे कि ये पहले ओडीआई में तब कराए हैं उसके बाद T20 में पहुंचे, इसलिए रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा रीजन है। जाहिर सी बात है, अगर आप इतनी लंबे लंबे फॉर्मेट का गेम, इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी खेला हुआ है नामीबिया ने, बहुत अच्छी टीम रही है नामीबिया, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ आए हैं, कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी उनको एडवाइस दिए गए हैं, तो मैं ये बहुत बड़ा एक रीजन मुझे ये भी लगता है। और प्लेयर्स साउथ अफ्रीकन काउंटी से भी खेले हैं, बहुत ज्यादा काउंटी क्रिकेट वहां खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका, नामीबिया के प्लेयर्स, माफ कीजिएगा, नामीबिया के प्लेयर्स वहां पे भी खेले, तो ये भी बहुत बड़ा मुझे रीजन लगता है कि टीम इतनी निखरी है बस 2 साल के अंदर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका ही खाली हाथ आगे बढ़ाएगा, नामीबिया ने भी अपनी तरफ से वो परफॉर्मेंस करके दिया है, वो दिया है, अपनी तरफ से भी हाथ बढ़ाया है, अपनी तरफ से अप्रोच किया। ये नहीं कि आप यही चाहेंगे कि बड़े देश आके हमसे हमें हेल्प करें, अप्रोच करें, आपको भी उनको साबित करना होगा, आपको भी अप्रोच करनी होगी, जो नामीबिया ने किया है लगातार टाइम टू टाइम विद परफॉर्मेंस, सिर्फ बोलने से नहीं विद परफॉर्मेंस भी, इसीलिए कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने भी हेल्प की है। अगर हम प्रेजेंट कैप्टन और कोच की बात करें तो वो क्या है, निकनेम भी जान लेते हैं कि आखिर किस नाम से इन्हें बुलाया जाता है? बिल्कुल देखिए, निकनेम तो हम सब जानते हैं, ईगल्स के नाम से बुलाया जाता है, बहुत सूट भी करता है कहीं ना कहीं प्लेयर्स पे, बहुत अच्छी नजर पहनी है प्लेयर्सों की। तो लेकिन अगर बात करें कप्तान की, तो मर्वे रास्मस कप्तान है, और कोच सर की बात करें तो पीटर डी ब्रून तो सर कोच है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एल्बी मॉर्कल जो है वो भी असिस्टेंट कोच थे T20 वर्ल्ड कप में, और एलन डोनाल्ड सर भी आए थे जब प्रैक्टिस तैयारी कर रही थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, नामीबिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रिपरेशन उनकी होती है और कितना अच्छा टाइप है उनका साउथ अफ्रीकन बोर्ड से। एक बार पूछना चाहूंगा, मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा आपसे, ग्रांड रस्मस या मर्वे रस्मस, हम डिवाइड हो जाते हैं कि मैं कभी कोई सोचता हूँ कहीं पर ग्रांड रस्मस लिखा रहता है, कभी मर्वे रस्मस। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप दोनों ही नाम से इनको दिखाया जाता है, लेकिन इनका नाम ग्रांड मर्वे रस्मस, बस यही है जी, यही बहुत लोग सोचते हो आप में से, मैं हूँ बिल्कुल, मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर आप किसी को लगता हो कि इनका तो ग्रांड रस्मस था, मर्वे रस्मस है, बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रांड रस्मस ही बोलिए, आप मर्वे रस्मस ही बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि इनका नाम ही पूरा ये है। जी हाँ, रहेंगे तो वो कप्तान क्रिकेट टीम के। और अभी की अगर रैंकिंग अंक की बात कर लेते हैं कि ओडीआई में और T20 में इस वक्त इनकी रैंकिंग क्या है, और क्या ये अभी जो इनकी रैंकिंग है या इनकी बेस्ट रैंकिंग है या फिर इससे बेटर रैंकिंग में पहले रह चुके हैं? नहीं, कल ओडीआई की बात करें, कल ओडीआई की बात करें तो 19th, अभी 19वें रैंक पे है नामीबिया की टीम, और इससे भी बेस्ट ये रह चुके हैं 15th रैंक पे, 15वें रैंक पे, तो कहीं ना कहीं गिरे हैं थोड़ा सा अगर ओडीआई की बात करें तो। लेकिन अगर T20I को देखेंगे तो अभी बेस्ट रैंक है 16 अभी जो है, माफ कीजिएगा, अभी जो रैंक है वो 16th है, लेकिन बेस्ट की बात करें तो वो 15 थी, यानी कि एक ओवर थी, उसमें भी थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, ये देखने वाली बात है, इसको ठीक करने के बारे में तो सोचना चाहिए, चलिए लेकिन कोई बात फिलहाल यहाँ पे बात इनकी अच्छा खेल है। T20 वर्ल्ड कप में हिस्ट्री काफी शानदार है, काफी टीम्स है जो वर्ल्ड कप नहीं खेली लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखिए, तो T20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार परफॉर्मेंस की है। एट द एंड ये जान लेते हैं, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी इस टीम से रिलेटेड, ये सारे सोर्सेज जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे हम कि हमें ये सब कहां से हमने रिसर्च किया, क्योंकि ये सारी जो चीजें ये सारे बिल्कुल रियल है नामीबियन क्रिकेट के बारे में। हमने कोशिश की है शॉर्ट में आपको मेन चीज बताया, तो पूरी लंबी हिस्ट्री है लेकिन मेन चीज आपको बताने की कोशिश, कब इन्होंने बोर्ड फॉर्म किया, कब ये अपना पहला मैच खेले, कब इन्हें एसोसिएट मेंबर का आईसीसी की तरफ से स्टेटस मिला, कब इन्होंने पहला मैच खेला, इनकी रैंकिंग्स, इनके कैप्टन, इनका जो बोर्ड्स के साथ टाई अप, ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है। एट द एंड अगर हम ये जानना चाहें फ्यूचर के बारे में कि क्या लगता है आपको इस टीम का, जितने भी हमने हिस्ट्री देखी, कितना जाना है, कितने बोर्ड साउथ अफ्रीकन बोर्ड से रिलेक्शन है, T20 वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस हमने देखा, कितनी उम्मीद रखते हैं आप इस टीम से कि ये टीम आगे जाकर एक बहुत ही बेहतरीन फुल मेंबर टीम बन सकती है इन कंपेरिजन टू बांग्लादेश और अफगानिस्तान? बिल्कुल देखिए, आगे जाके बोल रहा हूँ, बिल्कुल अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये फुल टीम बनेगी या नहीं, क्योंकि हमने देखा है जब भी बने स्कॉटलैंड की तरह ही इनको भी फैसिलिटीज बिल्कुल मिल रही है। स्कॉटलैंड के पास जैसे इंग्लैंड है, आप खूब क्लब क्रिकेट खेलती है, स्कॉटलैंड के प्लेयर जो है वो पहुंच चुके हैं
क्रम क्रिकेट खूब खेलते हैं, वैसे ही नामीबियन के साथ है। नामीबियन टीम साउथ अफ्रीकन के जो काउंटी क्लब है वहां की टीमों के साथ खूब खेलती है, तो ये दोनों की टीमों को आप मैच करके देख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, स्कॉटलैंड को कितना मिल रहा है बेनिफिट हम देख ही रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हर वर्ल्ड कप में फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही देखना होगा कि क्या नामीबिया भी ये रिपीट करेगा, क्योंकि मैं अगर भविष्यवाणी कर दूं वो गलत हो जाए बिल्कुल, ये मैं झूठ ही बोलूंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल हाल है उसको देखते हुए तो लगता है कि अगले वर्ल्ड कप में हमें कोई अच्छा देखने को मिलेगा नामीबिया। वैसे अब ये हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि चलिए एक्सपेक्टेशन ही है कि अच्छा करें, लेकिन अब बाकी आगे बिल्कुल बाकी देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। स्कॉटलैंड नामीबिया का हाल दोनों सेम, बिल्कुल सेम है। तो स्कॉटलैंड ने जो गलतियां की है क्या अगर वो नामीबिया ना करे तो डेफिनेटली उन्हें इस क्लब का क्रिकेट का फायदा मिलेगा और वो एक बेटर टीम निकल के आ सकती है, स्ट्रांग टीम निकल के आ सकती है, खास करके अगर कंपेयर करें अफगानिस्तान आयरलैंड जो कि रिसेंटली टेस्टिंग नेशंस बनी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन में इतना ही, के चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सामने सारी अच्छी टीम्स के बारे में जानकारी लाने की, अपडेट्स लाने की, ताकि आपको भी सारी चीजें सही से समझ में आए। बाकी आपकी क्या राय है नामीबियन टीम को लेकर, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं आपको नामीबियन टीम से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। और बाकी आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल से एशियाई क्रिकेट से रिलेटेड, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उस पर भी कोशिश कर सके वीडियो लाने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करिए, वहां पर हर आधे घंटे में एक घंटे में हम आपको क्रिकेट न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स, लगातार लाइव स्कोर अपडेट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां देते रहते हैं। तो प्लीज ट्विटर में जाकर फॉलो करिए, कैसे पता चलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, या फिर आप ट्विटर पे सर्च करिए डेली क्रिकेट डीसी, हमारा जो हमारे को पेज सबसे ऊपर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।